ऋषिकेश में अंकिता भंडारी हत्याकांड में एसडीआरएफ की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अंकिता भंडारी का शव चीला शक्ति नहर के पास बरामद हुआ है। हालांकि पहले पुलिस शव की शिनाख्त नहीं कर पाई तो अंकिता के परिजनों को इसकी सूचना दी गई। नहर में बरामद शव अंकिता का होने की संभावना जताई जा रही थी, ये शक सही साबित हुआ। अंकिता के पिता भाई ने शव अंकिता का होने की पुष्टि कर दी है। आपको बता दें कि पूरे मामले में पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य का बेटा पुलकित आर्य अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। पुलिस ने पुलकित आर्य को अंकिता की हत्या के आरोप में शुक्रवार को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने पुलकित समेत तीन लोगों को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। वहीं अंकिता भंडारी पौड़ी जिले के पट्टी नादल सयू में शिकोट गांव की रहने वाली थी। वो बीजेपी नेता और पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य के वनंदरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी।